नफरत छोड़ो भारत जोड़ो इस मुद्दे से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उससे के वो आज नांदेड़ शहर में दाखिल होने वाले हैं। हो सकता है कि 2 और 2.5 के दरमियान वो इस इलाके में आ जाए और इस इलाके की मैं आपको जय्यत तैयारी बता रहा हूँ कि चारों तरफ यहाँ होल्डिंग्स लगे हुए हैं, उनके आने के वेलकम्स के होल्डिंग है, शहर में प्रवेश के लिए उनका स्वागत की जो से होल्डिंग लगाई जा रही है। आप जहाँ भी नज़र डालेंगे चारों तरफ होल्डिंग लगी हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये जो इलाका है ये एक पूरा मुस्लिम बहुबली इलाका है और यहाँ की जो मोहब्बत है वो अशोक राव चौहान के नेतृत्व से ज़्यादा मानी जाती है। तो यहाँ पर जो तैयारी मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे कैमरामैन के ज़रिए कि चारों तरफ आप देखिए जहाँ भी आपको नज़र जाएगी सिर्फ आपको होल्डिंग नज़र आएंगे कि वेलकम नांदेड़ सिटी, आपका नांदेड़ शहर में स्वागत है। इस तरीके के जो होल्डिंग्स लगे हुए हैं इसी दिन एक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उत्साह जो जोश यहाँ के लोगों में राहुल गांधी को देखने का, क्योंकि वो 3,500 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर भारत जोड़ो के लिए काम कर रहे हैं, आज उनका शहर में आना हमारे लिए गौरव का प्रति है। इस इलाके का जो नेतृत्व करते हैं सत्तार साहब, यहाँ के महापालिका के महापौर भी हैं, वो भी हमारे बीच आए हैं। मैं पूछना चाहूँगा सत्तार भाई, क्या जय्यत तैयारियाँ चल रही है दवा की? अल्लाह का फजल से पूरी तैयारी हो चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता राहुल गांधी जो फजल से पूरी तैयारी हो चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता राहुल गांधी जो ईदगाह कमान से जो गुजर रहे हैं, अल्लाह के फजल से हमारे जब भी 11, 12, 13 की पब्लिक उसमें शामिल हुई और जिस तरह से राहुल गांधी जो फिरका परस्त ताकतों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं, हर समाज का हमारा हर मुस्लिम उसमें शामिल रही है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ हिम्मत का, आपकी जो मेहनत कर रहे हैं इसलिए आपका सराहना करना पड़ता है। आपकी हिम्मत जो कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। फिर एक बार मैं आवाम से अपील करता हूं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर फिरका परस्त ताकतें को तमाशा मारिए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। ये थे यहाँ के महापौर अब्दुल सत्तार साहब, जिनकी प्रक्रिया मैं देख रहा बता रहा था आपको, जिनके ख्यालात चल रहे थे। और मैं पिछले 13 या 14 दिन हो गए मैं राहुल गांधी के साथ ही अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, उनके साथ एंकरिंग कर रहा हूँ, बार बार मेरी उनकी बातचीत भी होती है। एक अच्छे स्वभाव के, एक अच्छे नेचर के इंसान है, कभी फ़खर घमंड नहीं किया उन्होंने, किसी से मिलने में भी एतराज़ नहीं किया, किसी से भी वो बातचीत करते हैं तो बड़े खुलकर और अच्छे अंदाज में बात करते हैं। इसलिए आवाम को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, उनसे मोहब्बत देखिए, उनका प्यार देखिए और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरी आवाज़ न्यूज24 लाइव चैनल के साथ, मैं आपका एंकर अनवर भाई, कैमरामैन इमरान मिर्जा के साथ। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव के साथ और मेरी आवाज न्यूज 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।